टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने शुक्रवार को ट्विटर खरीद डील कैंसिल कर दी। 44 अरब डॉलर की इस डील को खत्म करते समय मस्क ने कहा, कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद फेक या नकली ट्विटर अकाउंट से जुड़ा डेटा मुहैया कराने में नाकाम रही है। ट्विटर और मस्क के बीच हुए खरीद समझौते के मुताबिक अगर डील कैंसिल की जाती है तो इस स्थिति में शर्तों के तहत मस्क को 1 अरब डॉलर की ब्रेकअप फीस देनी होगी। लेकिन मस्क केवल ब्रेकअप फीस देकर बच नहीं सकते। समझौते में एक ऐसा प्रावधान शामिल है जो मस्क को डील पूरा करने के लिए मजबूर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अब मस्क और ट्विटर के बीच लंबी कानूनी लड़ाई खिंच सकती है। पिछले महीने ही मस्क ने धमकी दी थी कि अगर यह साबित नहीं होता है कि ट्विटर के कुल यूजर्स में से 5% से कम स्वैम्प अकाउंट है तो वह डील वापस ले लेंगे। मस्क के वकील ने कहा कि ट्विटर प्लेटफॉर्म पर फेक या स्वैम्प अकाउंट से जुड़ी जानकारी मांगी गई जिसका जवाब नहीं दिया गया या मना कर दिया गया। ट्विटर ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया और गलत जानकारियां दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।